इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग भारत में जो व्यापार और वाणिज्य का इतिहास है उसकी। व्यापार मतलब जो हमारा ट्रेड है और वाणिज्य मतलब कॉमर्स। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास जो है वो प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर करता है बहुत हद तक। समझ रहे हैं आप? जैसे जहां पर जमीन अच्छी है वहां पर खेती होगी, जहां पर माइनिंग है, खान है, तो वहां पर खनन होगा। तो किस तरह की आर्थिक गतिविधियां होंगी ये बहुत हद तक डिसाइड को या क्या करता है कि आप कैसी जगह पर रह रहे हो। और खास तौर से अगर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तब तो पूरी तरह से आप मान लीजिए कि कैसी जगह पर रह रहे हो आप वहां पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद ही पॉसिबल हो पाया ना। और एजुकेशन शिक्षा खुद में एक ऐसी चीज है जो मानव सभ्यता में काफी विकास हो जाता है उसके बाद से ये सिस्टमेटिक रूप से दी जाती है। बहुत सारे समाज ऐसे रहे हैं, अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा जो है साक्षरता दर बहुत कम रहती है। भारत में साक्षरता दर बहुत अच्छे से बढ़ी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लगभग 50% लोग अशिक्षित हैं अभी भी। तो होता क्या है कि बहुत सारी सभ्यताओं में शिक्षा देने का कोई सिस्टम होता नहीं है। तो ये मानव विकास की अगर आप को देखोगे एक साथ, मानव जो सभ्यताएं उनका विकास की बात करोगे तो वहां पर शिक्षा जो है वो बहुत बात की चीज आती है। और शिक्षा में अगर मुझे ये वीडियो बनाना है तो मैं चाहे कानपुर में रहकर करूं, चाहे उदयपुर में रहकर करूं, चाहे हिमाचल प्रदेश में रहकर करूं, बस मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इंटरनेट चाहिए और कैमरा चाहिए तो मैं कहीं से भी काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे खेती करनी है, अगर मुझे नारियल की खेती करनी है तो मुझे भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे वाले कुछ राज्य हैं वहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही जो जिस तरह का क्लाइमेट है, जलवायु है, वो उसको सूट करती है। तो होता क्या है कि किस तरह की आर्थिक गतिविधियों को आप देख रहे हो वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वहां का आसपास का परिवेश कैसा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चीन में ये कहा जाता था कि जो लोग अच्छा काम करेंगे चीन में रहने वाले लोग, उनका जन्म भारत में होगा, है ना। ऐसा क्यों कहा जाता था? चीन का जो एरिया है आज का जो भारत है उसका लगभग 3 गुना है। कितना है? 3 गुना हमसे बड़ा है चीन। लेकिन मालूम है आपको, भारत में जो खेती करने की जमीन है वो 141 मिलियन हेक्टेयर्स है। कितनी है? 141 मिलियन हेक्टेयर्स। और चीन हमसे 3 गुना बड़ा होने के बाद भी वहां पर 80 मिलियन हेक्टेयर्स है लगभग। यानी कि हमारी जो खेती योग्य जमीन है वो लगभग समझ रहे, 1.5 गुने से भी बहुत ज्यादा है, 2 गुने से थोड़ा कम है। 80 दूनी 160 होता है, 141 है लगभग। तो यहां से आप ये समझिए कि उस समय आज से 100 साल पहले खेती ही सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि हुआ करती थी, चाहे चीन हो चाहे भारत हो। और चीन में तो बहुत बड़ा रेगिस्तान है, आप समझ रहे, मंगोलिया के नीचे का पूरा चीन जो है उसमें समझ लीजिए कि पूरी की पूरी जो उनकी पॉपुलेशन है वो 1/3 से भी कम क्षेत्र में रहती है। जो चीन का मैप है 94% लोग इधर रहते हैं, बाकी के 6% लोग ही बाकी के लगभग आधा क्षेत्र में रहते हैं। तो बहुत ही अलग तरह की पॉपुलेशन है। इससे भारत में भी कुछ प्रदेश है जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश है जैसे कि, तो 15-16 के आसपास जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एवरेज 15-16 लोग रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा देश ही ऐसा है जहां पर करीब 4 के आसपास है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा डेजर्ट आ जाता है। जहां पर रेगिस्तान होगा वहां पर आदमी नहीं रहते क्योंकि जीवन बहुत कठिन हो जाता है, खाना पीना आप उगा नहीं पाओगे। तो उस दृष्टिकोण से भी शायद ये कहा जाता होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भारत तो शस्य श्यामला है ना, जो हम लोग का वंदे मातरम उसमें भी लिखा हुआ है, और वो बहुत हद तक सही है। हमारे यहाँ गंगा यमुना का जो दोआब है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल माना जाता है। गंगा यमुना को छोड़कर के बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियां हैं जो आस पास के क्षेत्र को बहुत अच्छे से सिंचित करती हैं और बहुत उपयोगी बनाती हैं। तो होता क्या है कि ये एक सत्य है कि आस पास का प्राकृतिक परिवेश कैसा है उस तरह की आपके यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां होंगी। भारत भी इससे अछूता नहीं है। और भारत कहां से कहां तक है, तो एक मैं बचपन में था तो एक श्लोक पढ़ते थे जिसमें भारत के बारे में बताया जाता था कि भारत है क्या। और इससे भी ये सिद्ध होता है कि एक तरह की जो एक साथ रहने की भावना थी वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से भारत में एक हो गई थी। क्यों? क्योंकि भारत वास्तव में मालूम है आपको, अफ्रीका से टूट करके आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो हिमालय बना हुआ है। और अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे अंदर जाती है। मैं कभी आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, भूगोल तो बताऊंगा। तो हुआ क्या है कि भारत भौगोलिक स्तर पर एक अलग चीज है, सब कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट समझते हैं महाद्वीप, भारत को बोला जाता है उपमहाद्वीप। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक अलग है, पूरा सिस्टम अलग है, उनकी अपनी ज्योग्राफी अलग है। सारी चीजें आपको मिलेंगी भारत में, आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, भारत में आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी मिलेंगी, हर तरह की जलवायु मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में आपको मिल जाएंगी। तो इस वजह से हम लोगों को बताया जाता था उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत संतति। मतलब जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में समुद्र है वहां पर उसको भारत कहते हैं और वहां के रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है।
तो ये भी इससे समझ में आता है कि हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसको एक इकाई के रूप में देखा करते थे। और वो इकाई एक क्यों बन पाई ये समझिएगा। देखिए, भारत में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। क्या हो गई? भारत में नहीं, एक था सिल्क रूट। अब जब मैं बचपन में था ना तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता था कोई ऐसी रोड होती होगी। सिल्क रूट क्या था मैंने पढ़ लिया था, कि बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए या फिर भारत में आने के लिए या कुछ एक रास्ते थे जहां पर अलग अलग जगह पर जाना होता था, तो वो एक रास्ता हुआ करता था जिस रास्ते से ये सारी चीज होकर के जाती, तो उसको हम लोग सिल्क रूट कहते थे। सिल्क क्यों कहते थे? तो उसका भी अपना एक कारण आता है, क्योंकि उसकी भी ट्रेडिंग बहुत हुआ करती थी जो सिल्क है उसकी। तो होता क्या था कि कोई एक रोड नहीं थी, बहुत सारी रोड्स का नेटवर्क था जिसको मिला करके हम लोग उस पूरे रास्ते का जो नेटवर्क था उसको कहा करते थे सिल्क रोड। अभी मैं आपको इसी को दिखा दूंगा पैड पर बनाते टाइम पर, तो आपको अच्छे से दिखेगा कि सिल्क रोड की क्या बात कर रहा हूं। तो ये इसको हिंदी में हम लोग रेशमी मार्ग या रेशमी राह कहा करते हैं। ऐसे ही भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको ये भी मैप पर दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये हमारा भारत है। तो यहां पर आ जाता है आपका मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मतलब खाड़ी के देश है, इराक है, यहाँ पर अभी दुबई है, इन सबसे बहुत अच्छे से ट्रेड हुआ करते थे। तो जो अरब देश आ जाते हैं यहाँ पे, सऊदी अरब है, फिर यमन है, ओमन है। ऐसे ही यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से देश हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, और आप थोड़ा दूर चलाएंगे सिंगापुर है। तो ये सारे देश है, यहाँ पर भी हमारा खूब ट्रेड हुआ करता था, बहुत व्यापार होता था। तो भारत का जो है ना यहाँ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और भारत का यहाँ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, और यहाँ का उल्टा भारत पर भी काफी प्रभाव पड़ा। भारत में जो इस्लाम है, इस्लाम का जन्म लगभग इसी क्षेत्र में हुआ था, तो यहाँ से आया। साथ में हम लोगों का जो आजकल गिनती लिखते ना हम लोग 1 से 10 तक की, इसको भी बोला जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक के अंकों का जो प्रयोग पूरी दुनिया कर रही है वो हिंदुओं ने, मतलब हिंदू ने मतलब जो इंडियंस थे उस टाइम पर, उन्होंने हिंदू नाम दे रखा है। भारत का नाम भी जो हिंदू है ना, हिंदुस्तान, वो भी इन्हीं लोगों ने दिया है, अरब के लोगों ने। और हिंदू जो शब्द है वो भी हमें अरब के लोगों से ही मिला हुआ है। तो हुआ क्या कि ये जब हम लोग ट्रेड क्या करते थे, यहां से आकर के आप उधर जाकर के मिल रहे हो, वो लोग आपसे मिल रहे हैं, तो आपस में आपके कल्चर में क्या चीजें, उनके कल्चर में क्या चीजें, वो सारी क्या हो जाती थी, एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ करती थी। और उसी के साथ साथ उनसे क्या होता था कि आप बहुत सारी चीजें अपनी सिखा रहे होते हो किसी और को, उनसे सीख रहे होते हो। भारत का बहुत ज्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी है। कहाँ पर? जो अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर भी रामायण वगैरह का सीन चलता है। इंडोनेशिया में अंकोरवाट ये बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, अभी तो एक नया मंदिर बना दिया है उसको, उसने ओवरकम कर लिया, लेकिन बहुत समय तक ये मंदिर बना रहता था। तो भारत का प्रभाव इन सारे क्षेत्रों में क्यों था? क्योंकि ट्रेड होता था, व्यापार हुआ करता था। उसको मैं अभी अच्छे से बनाऊंगा, जब मैप पर आपको देखेगा तो बहुत अच्छे से देखेगा। तो जो मैंने अभी बात बताई थी आप लोगों को सिल्क रूट की, तो देखिए ये जो भी लाल रंग से आपको दिख रही है, ये सारी रोड्स पे जब आप मिला दोगे ना, अलग अलग बहुत सारे रास्ते थे, इन सबको मिला करके हम लोग बोला करते थे सिल्क रूट। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था और उसमें से रेशम का भी काफी लोग इधर से उधर ले जाया करते थे, तो ये सिल्क रूट हो जाता था। साथ में ये जो नीचे के रास्ते हैं, अब देखिए ये अपना भारत है और ये भारत के बाद में ये अरब है, तो अरब और भारत के बीच बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ करता था। ये है, इधर से जाता था, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मुंबई उतना इंपॉर्टेंट नहीं था उस टाइम पर, एक पोर्ट के रूप में, बंदरगाह के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, ये जितना भी लेन देन है अरब से बहुत ज्यादा लेन देन हुआ करता था। भारत से अगर कुछ यूरोप में जाना है तो अरब के रास्ते से ही जाता था, ये आपका यूरोप है, तो पहले अरब जाती थी चीजें, फिर अरब से फिर यूरोप जाने का सिस्टम बनता था। तो ये पूरा होता क्या था कि जो समुद्री रास्ते थे, और इनमें भारत में आप देख रहे हैं कि ये जो दक्षिण भारत की तरफ से कोई चीजें जा रही हैं, ये सारी क्या होती थी, हमारे यहाँ से मसाले बहुत जाते थे, दक्षिण भारत में बहुत सारे मसाले उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये इसीलिए इनको बोला जाता था मसाला मार्ग भी बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, मसाला मार्ग। और इसी तरह से आप ये समझिए, थोड़ा सा ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और अगर आप एक बार ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लेंगे तो हिस्ट्री और न्यूज इन सबको भी समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये अपना भारत है, ये जो दिशा होती है ये होती है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? पूर्व। ऊपर है आपका उत्तर, ये है आपका पश्चिम। तो देखिए भारत से ये जो अरब है वो पश्चिम में है, लेकिन ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सारे जो मैंने अभी इसको इनसर्कल किया है, ये सब कुछ मिला करके यहाँ पे लगभग 10 देश आते हैं, जिसमें से हम कुछ ऊपर वालों को भी मिला देते हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, दक्षेस कहते हैं। ये है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। इस कौन कौन से देश आते हैं? सिंगापुर है, उसके बाद से ये आपका इंडोनेशिया काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा देश आता है बुरुंडी बोलते हैं उसको, लाओस है, इधर कंबोडिया है,
वियतनाम है, ये सारे देश मिलाकर के यहाँ पर भारत का बहुत प्रभाव रहा है। और ये क्यों रहा है प्रभाव, देखिए ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता, ये पूरा रास्ता समुद्र से होता हुआ इसी रास्ते से जाया करते थे लोग। तो यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे कल्चरल टाइज बहुत अच्छे हैं। और एक और बात है कि भारत का अफ्रीका में भी कल्चरल टाइज अच्छे हैं। अगर आप 100 साल 200 साल पहले देखेंगे, खासतौर से अंग्रेजों के आने के समय पर बहुत सारे भारतीयों को वहां पर मजदूरी के लिए ले जाते थे, तो अफ्रीका में भी भारत के कल्चर का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप ये समझिए कि भारत की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो भारत का जो इतिहास है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में तोड़ते हैं, जिसको हम लोग लिख देते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस मतलब सिंधु, वैली मतलब घाटी, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो ये जो सभ्यता है ना, ये लगभग 3rd millennium BC, मिलेनियम को हिंदी में बोलते हैं सहस्त्राब्दी, सहस्त्र मतलब होता है 1000। तो 3rd millennium BC, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट बोले तो ईसा, ईसा मसीह, तो ईसा पूर्व बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। तो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ कि अभी तो कौन से सन चल रही है, 2020, तो 2020 तो हम लोग ईसा के बाद के समय की बात कर रहे हैं, और ईसा से भी 3000 साल पहले से शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि तीसरी की बात कर रहे हैं। तो 3000 से लेकर के 2000 साल पहले तक की जो बात है, तो देखिए 3000 ज्यादा पहले आएगा, और उसके बाद से 2000 साल पहले, फिर 1000 साल पहले, फिर ईसा हो गया, उसके बाद से फिर 100, आज हम लोग 2020 से पहुंचे हैं, ठीक है। तो जो 3000 साल पहले की बात किससे, ईसा से, तो आज से कितने साल पहले की बात हो जाएगी, 2000 साल से तो अभी भी हो चुके हैं, तो 2000 और 3000 मिला दीजिए, लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर आना स्टार्ट हो चुके थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोथल के बारे में भी पढ़ा तो है आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों को याद नहीं हो। तो देखिए ये तो शहर हुआ करते, यहाँ पर हमें दिखता है कि बहुत सारी ट्रेडिंग हुआ करती थी। कैसे दिख जाता है यार, सिक्के मिलते हैं, अलग अलग तरह की वो कारीगरी करने वाले सामान दिखाई पड़ते हैं, बर्तन मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका ज्यादातर हिस्सा आप समझ लीजिए आज का जो इराक है ना, जहां पे सद्दाम हुसैन था, वहां से मिलता है। उसके बाद से कुवैत है, सीरिया का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाता है, लेकिन मेन रूप से, मुख्य रूप से इराक का ज्यादातर हिस्सा जो था उसको मेसोपोटामिया बोला करते थे। तो मेसोपोटामिया में भी सभ्यता जन्म ले रही थी, जहां पर सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं हम लोग, वो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आती है, मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी आप समझिए कि मेसोपोटामिया जो है वो यहां पर कहीं हुआ करता था, अरब क्षेत्र में ही समझ लीजिए, इराक यहां पर मान लीजिए, और भारत हमारे यहां पर, और यहां पर हमारी सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता थी। तो यहां से जब ट्रेड होता था, और यहां के कुछ सिक्के हैं जो हमको यहां पर मिले हुए हैं, तो वो कैसे मिल गए, इसका मतलब है कि ट्रेड होता था, तभी तो आपको वहां का सिक्का यहां पर मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या प्रूव करती है कि आज से लगभग 5000 साल पहले से भारत में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था। कब? क्योंकि 3000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। और उसके साथ ही आप ये समझिए कि भारत में जो समाज का निर्माण हो रहा था ना, वो एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा था जहां पर व्यापारी लोग थे, उनका वर्चस्व होने लगा, उन लोगों को प्रमुखता मिलने लगी। और भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति थी कि सिल्क रूट और समुद्री मार्गों दोनों की वजह से भारत में ये देखा जाने लगा कि यार यहाँ पर एक तो जमीन बहुत अच्छी है, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें लोग बाहर भेजने लगे। क्या क्या भेजते थे और क्या क्या खरीदते थे, गोल्ड है, सोना है, चांदी है, ये ज्वेलरी वगैरह के बाकी ज्वेल्स होते हैं, छोटे छोटे हीरे वगैरह का भी काम होता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भारत से बाहर बेची आती थी, और भारत मुख्य रूप से एक निर्यातक देश था। कैसा था? प्रमुख निर्यातक था दुनिया भर का। कैसा कैसा था? हमारे यहाँ से बाद में भी, बहुत बाद के समय तक भी, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जाया करता था, हमारे कारीगर बहुत अच्छा काम किया करते थे। मध्यकालीन भारत का पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा, अंग्रेजों ने आकर के वो सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था, तो मैं आपको कहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन आप समझिए कि बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट करता था, जैसे आज पूरी दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है चीन को, क्योंकि चीन से बहुत सारी चीजें बनती है। आप देखते हैं बहुत सारी चीजें मेड इन चाइना लिखा रहता है। और आजकल जब से इन्होंने हमारी सीमा पर वो सैनिकों को पीछे से घात लगा करके एक गीदड़ की तरह जब से मार दिया और उनकी हत्या की, उसके बाद से एक देश में ऐसा चल रहा है, उनके एप्लीकेशंस को भी बैन किया गया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम था हमारी सरकार का, तो वो सारी चीजें भी की गई। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो पूरी दुनिया में आज चीन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसे ही जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो इंग्लैंड को बोला जाता, क्या बोला जाता था, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह से भारत भी एक काफी लंबे समय तक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी, भारत के कपड़े, मलमल का कपड़ा तो ढाका जो अलग हो गया भारत से बांग्लादेश बनने के बाद से, पहले पाकिस्तान बना फिर बांग्लादेश बन गया, तो बहुत सारी चीजों की डिमांड रहा करती थी, तुरंत हाथों हाथ बिक जाया करता था। ऐसे ही हमारे कारीगर बहुत अच्छा काम किया करते थे, उनका भी बहुत सारा सामान बिक जाता था। और भारत के जो समुद्री मार्ग थे ना, उनको बोला जाता था मसाला मार्ग। क्या बोला जाता था? मसाला मार्ग। ये देखिए
क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत में जो जैसे दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य हैं, वहां पर बहुत सारी स्पाइसेस होती हैं, मसाले बहुत सारे होते हैं, और मसाले बहुत ज्यादा फेमस थे, मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, कहां जो विदेशी बाजार थे वहां पर। तो इन सबसे आपको क्या समझा रहा है कि भारत में ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, जो इस तरह की गतिविधियां थी व्यापार से और वाणिज्य से संबंधित बहुत अच्छे से चल रही थी, और इसी वजह से भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाया, क्योंकि जो आप निर्यात करो तो बाहर से आपको पैसा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर मंदी चली गई। ठीक है, तो ये एक बेसिक अभी आपको आइडिया लगा। इसी में दो तीन चीजें हैं जो एक और आपको समझना चाहिए कि भारत की जो राजनीतिक रूप से एक एकता है, हम लोगों का देश इतना अनोखा है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के धर्म है, फिर भी हम लोग एक है। क्यों है एक, किस तरह से आया, तो इसमें भी ट्रेड का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे रोल होता है समझिए, भारत जैसे मान लीजिए ये भारत का अपना नक्शा है, नीचे नीचे का, उसके बाद से फिर ऊपर ऐसे करके बनाएंगे, तो यहां के किसी राज्य को कुछ सामान भेजना है, बंदरगाह तो यहां पर है, तो यहां के राज्य और यहां के राज्य के बीच में कुछ ना कुछ समन्वय होना पड़ेगा, तभी तो आप भेज पाओगे, तो आपस में लड़ाई करोगे तो सामान कैसे जाएगा। साथ में जो व्यापारिक रूप से होने वाली इकाइयां हैं, मापन की इकाइयां हैं, मुद्रा का कौन कौन सी मुद्राओं का ट्रांसफर होगा, आपकी मुद्रा हम लेंगे या नहीं लेंगे, अगर व्यापार करना तो आपको लेना रहेगा, तो एक रूपता आने लगी। क्या आने लगी, एक रूपता आने लगी। साथ में जो हमारे यहाँ का कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक रूप से था, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद से वैदिक काल काला गया 1900 BC के आसपास, उन सारी चीजों को भी देखोगे तो सांस्कृतिक रूप से हम लोग एक जैसे होते चले गए। उसके बाद से और धर्म आना भी स्टार्ट हुए, लेकिन संस्कृति बदल गई। तो धर्म और संस्कृति बिल्कुल एक नई चीज होते हैं, अलग अलग रहती है। संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती है, पहनावा जाता है, बोलचाल आ जाती है, नाच गाना आ जाता है, त्योहार आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे यहाँ पर आती गई। साथ में सैन्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा से क्या हुआ, अगर आपको ट्रेड करना है तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। जहां पर हिंसा हो रही हो, जहां पर दंगे भड़क रहे हो, वहां पर व्यापार नहीं पनपता। तो व्यापार पनपा रहे इसके लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग राज्यों को सिक्योरिटी देनी पड़ती थी व्यापारियों को, उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इन सारी चीजों ने क्या किया ना, भारत में जो पूरा सिस्टम था उसमें एक रूपता लाना स्टार्ट किया, और लोगों को एक कलेक्टिव, एक इस तरह की भावना देना स्टार्ट किया। राज्य बहुत सारे अलग अलग होते थे, अलग अलग राजा काम करते थे, लेकिन ऐसा माना जाता कि हाँ एक ही जमीन के लोग हैं हम, समझ रहे हैं आप। तो उस तरह की भावना का भी काफी अच्छे से क्या हुआ, विकास हुआ। एक आजकल के टाइम पर सद्गुरु नाम के एक फिलोसोफर है, फिलोसोफर समझ सकते हैं, दर्शन दार्शनिक बोला जा सकता है, तो उनकी कई बातों से मैं एग्री करता हूँ, कभी कभी कुछ मतभेद भी हो ही सकता है, अगर मतभेद नहीं होगा इसका मतलब आप सोच नहीं रहे हैं। तो वो एक बात उनकी काफी अच्छी लगी थी मुझे, वो क्या बोल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान में बड़ी झगड़ा रहता है, ऐसा ही बहुत पुराने पुराने देश रहे हैं जहां पर बहुत लंबी लंबी लड़ाइयां हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध में तो समझ लीजिए कि जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कितनी खतरनाक लड़ाई हुई, लेकिन आज सारे लोग आपस में बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में वैसी मैच्योरिटी नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा करिए कि भारत के व्यापारियों को बहुत ज्यादा जगह दीजिए आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान के व्यापारियों को भारत में जगह दीजिए। जब एक दूसरे समाज के व्यापारियों को आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है ना, फिर युद्ध नहीं होता, ऐसा बोलते हैं, और काफी तक देखा भी जाता है ऐसा। अभी चीन अगर भारत के साथ इतना ज्यादा व्यापार ना कर रहा होता तो हो सकता है कि सैन्य रूप से आर्मी के लेवल पर और ज्यादा एग्रेशन, और ज्यादा जो उनका एग्रेशन है, एग्रेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, गुस्सा दिखा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत का बाजार उनके हाथ से निकल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो व्यापार है बहुत हद तक लड़ाई को भी रोकता है, युद्ध को रोकता है, और इस वजह से व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग ये देखेंगे अगले वीडियो में कि भारत का जो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या था, व्यापार था, उसमें किस तरह की बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। क्यों, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की बहुत जरूरत होती है। बैंक होता क्या है आपको ब्रीफ में बताता हूं। देखिए बैंक क्या होता है, कोई एक समाज है, समाज कुछ कुछ बना रहा है, कुछ कुछ बनाने में उसमें से उस समाज ने कुछ चीजों को कंजम्पशन कर लिया, कुछ चीजें खा ली, जो चीजें बच गई हैं उन बची हुई चीजों को आप उन लोगों को बांटो जो बाकी और ज्यादा नई चीजें बना सकते हैं उनसे। नहीं बात समझ में आई, देखो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी का मैं 70% खर्च कर लेता हूं, 30% बचता है, वो 30% पैसा मैं बचा के रख लूं और वो पैसा मुझे मेरे भविष्य में बाद में कोई दे दे, लेकिन साथ में वो 30% पैसा किसी ऐसे इंसान को अगर दे दूं जो इंसान बोले कि मुझे आप पैसे दो तो मैं और सारी वस्तुएं और सेवाएं बना दूंगा। तो अगर किसी भी समाज के सरप्लसेस का जो अधिशेष है वो आप किसी ऐसे लोगों को दे पाओ जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, समाज में बहुत अच्छे से प्रगति होगी।
और यही काम बैंक्स करती है। बैंक क्या करती है, जिनके पास ज्यादा पैसा उनसे डिपॉजिट ले लेती है और जिन लोगों को जरूरत है उनको लोन दे देती है। तो लोन वाले लोग भी अपना काम करते रहते हैं, जिनसे पैसे लिए वो डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था चलती है। तो उस समय पर कैसी बैंकिंग व्यवस्था हुआ करती थी उसके बारे में बात करेंगे, और थोड़े बहुत और जो पॉइंट्स रह गए होंगे एंशिएंट बिजनेसेस से या एंशिएंट जो ट्रेड और कॉमर्स था इंडिया में उससे, उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग अपने जो मेन टॉपिक आ जाएगा कि व्यवसाय होता क्या, व्यापार क्या होता है, इन सब की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और पूरी तरह से आपकी प्रिपरेशन हो पाए, कोई भी पीछे ना रह पाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।